सुगंधा जी ने जो आवाज यहाँ पर दी, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, इनसे खूबसूरत आवाज ना आज तक इस पृथ्वी पर पैदा हुई थी ना शायद होगी। थैंक यू सो मच। मेरी एक गुजारिश है यश जी आपसे, मुझे प्लीज सुगंधा जी मत कहिए, क्योंकि अगरबत्ती और पान मसाले के ब्रांड जैसा साउंड करता है। जस्ट चिल, यू नो यू कैन कॉल मी सुग्स। मुझे तो ये कहा गया था कि मेरे साथ एक सुपरस्टार भी आने वाले हैं जो होस्ट करेंगे। हाँ। वो आए नहीं अभी तक, कहाँ हैं? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान आ रहे हैं क्या? माल करते हो पांडे जी आप। अरे भाई, पहले हम जाएंगे फिर तुम जाइए, हम पहले जाके कविता सुनाएंगे। ये तो जावेद जी की आवाज लग रही है ना। डैड ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे पहले जाने दीजिए, मैं आऊंगा, मैं आके गाना भी। फरान, फरान, ये तो फरान की आवाज है। एक मिनट, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। इतना मजा आया मेरे को आज, कैसे हो आप लोग? अरे भैया, मनोज तिवारी जी है यहाँ पर, निरहुआ जी है यहाँ पर, कहीं भोजपुरी अवार्ड बोल के मेरे को पार्लियामेंट में तो नहीं भेज दिया? मेरे को तो लग रहा है मैं पार्लियामेंट में आ गया हूँ। देखिए, आप IBFA में हैं और यहाँ पर 3 गुना मनोरंजन होने वाला है। 3 गुना मनोरंजन जी? मतलब नील, नितिन, नितेश। अरे नहीं, नील नितिन मुकेश। नील, नितिन, नितेश। नील, नितिन, नितेश ही तो बोला मैं। नितिन मुकेश, नील, नितिन, मितेश। अरे वैसे क्या लाइटिंग किया है, फुल धमाल चकाचक फुल खर्चा किया है, ऐसा लग रहा है कि मैं दुबई में हूँ। अरे तो ये दुबई ही है। तभी मैं बोलूँ कि बाहर 2 आरबी भाई साहब खड़े रह के लिट्टी चोखा क्यों खा रहे थे? क्या? हाँ, और एक थे वो तो खजूर खा रहे थे, वो भी ऐसा करके। मैं तभी समझ गया, दुबई में भी भोजपुरी रंग चढ़ चुका है। जोरदार तालियां हो जाए। यार सुगंधा, अगली जो लाइन है। हाँ? ये कहने के लिए मेरे अंदर से जावेद अख्तर साहब आना चाहते हैं। क्या बात है, जावेद जी के लिए तालियां। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वाह वाह, कि अगर फिल्मों से म्यूजिक निकाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? फिर सोचता हूँ कि ठीक वैसा ही होगा जैसे पजामे से नाड़ा निकाल दिया जाए। सही कहा, सही कहा। अब म्यूजिक की बात चली रही है तो चंद लाइनें कहना चाहूँगा। इरशाद, इरशाद। जिनकी धुन हम अपने होठों पर गुनगुनाते हैं, वाह, जिनकी धुन हम अपने पार्टियों में बजाते हैं, क्या बात है, जिनकी धुन पे नाचते हैं और नचाते हैं, ऐसी कमाल की धुन बनाने वाले ही तो म्यूजिक डायरेक्टर कहलाते हैं। ओहो, क्या बात है।